अस्सलामुअलैकुम YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे हमने अपने गर्म पानी का किया इलाज। बहुत गर्म पानी आता था जैसे मैंने आपको बताया था, यकीनन आप लोगों के भी घरों में आता होगा। तो मैंने तो वही जो सोल्यूशन निकाला मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी, तो वीडियो पूरी देखना क्योंकि मैं कहीं भी बता सकती हूँ, स्किप मत करना। और आप भी ट्राई करना, मे बी आपको भी बहुत फ़र्क लगे, लेकिन मुझे तो 70% फ़र्क लगा। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हो स्टार्ट से, सबसे पहले सुबह सफाइयाँ वगैरह स्टार्ट की, बेडशीट वगैरह चेंज की, रूम सेट करने लगी। मैं रूम सेट गई तो बेडशीट पुरानी वाली बहुत ख़राब, इन्होंने बच्चों ने कर दी थी, गंदी कर दी थी। मतलब खाया पिया जो खाते पीते हैं उस पर गिराते हैं, जो खाते पीते हैं गिराते हैं, डेली चेंज करना पड़ती है। सो यहाँ पर मैं कर रही बेडशीट चेंज। इब्राहिम मेरी हेल्प कर रहा है, जो कि नहीं कर रहा पर उसको लग रहा है वो मेरी हेल्प कर रहा है। पिलोज़ वगैरह पकड़ा गए कि अब ये पकड़ो, अब मैं ऊपर आने लगा, मैं जंप करने लगा हूँ। खैर उसके बाद हमने की सफाइयाँ, पहले डस्टिंग की, हाँ बेडशीट वगैरह चेंज करके सारी चीज़ें, मतलब इस तरह थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से समेट के फिर हमने की डस्टिंग। डस्टिंग करने के बाद मैं लगाने लगी ब्रश, फिर ब्रशिंग के बाद जो क्या कहते हैं मॉप किया, मॉप करने के बाद वॉशरूम क्लीन किया। और ये ब्रश करते हुए यहाँ पे बच्चों के खिलौने तो तौबा हर जगह नज़र आने होते हैं, तो ये छोटा बच्चों को सोफ़ा और चेयर ये चीज़ें उठाई ताकि इनके पीछे से भी सफाई करो। मतलब खिलौने हर जगह, बेड के नीचे से गंद के साथ साथ तो खिलौने भी निकलते हैं, जिधर जो चीज़ खेलते हैं उधर ही फेंक देते हैं। गंद तो निकलता ही निकलता है, उसके साथ खिलौने भी इनकी हर जगह से निकल रहे हैं, हर कोने से निकल रहे हैं। ये तो हाल होता है, जितना मर्जी समझा लो, पता नहीं क्या मसला क्या है इनके साथ। बच्चों वाले घरों में ऐसे ही होता होगा यकीनन। खैर जी यहाँ पे हम कर रहे हैं, मैं जैसा आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ब्रश, और हमेशा की तरह बहुत गंद रहता है भाई, बहुत ज़्यादा गंद। हमारे घर में सफाई नहीं होती, हफ्ते में एक दिन होती है शायद, इसीलिए नहीं ऐसे ही कर रही हूँ, डेली करती हूँ फिर भी यही हाल होता है। अभी यहाँ पे वो बड़े साहब तो अंदर हेल्प कर रहे थे रूम में, ये छोटे साहब यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। ये इसने शॉपर पकड़ा है, इधर ही इसमें से उठाया सारे कूड़े में से शॉपर उठा कर, तो जो बड़ा बड़ा गंद था ना लाइक टिश्यू या किसी बिस्किट का रैपर, वो उठा उठा के ना अपनी तरफ से शॉपर में डाल रहा था। ये मेरी मदद कर रहा था। सफाइयाँ करने के बाद मैं चली गई जी सब्ज़ी मंडी, वहाँ से सब्ज़ियाँ खरीदनी थी वीकली प्रिपरेशन के लिए। ज़्यादा जहाँ वीकली जो भी आइटम्स और रेडी करनी जो भी सब्ज़ियाँ थी उनको पहले से प्रेप करने के लिए, चिकन वगैरह लेने के लिए मैं सब्ज़ी मंडी चली गई। वहाँ से हमने खरीदी सब्ज़ियाँ, अपना पूरे वीक का मेन्यू सोच लिया, अभी वहाँ सब्ज़ी मंडी में ये बनाना तो अच्छा ये चीज़ें ले लेते हैं। फिर चिकन वगैरह लिया, ये सामान लिया, फिर हम गए जी ये बॉटल्स वाली शॉप्स पे, यहाँ पे बॉटल्स का लेना था, पेट लेना था और जूसेस का लेना था। वहाँ से आए आके मैं उनको चेंज किया और फिर उसे मैं छोड़ने चली गई ट्यूशन। तो यहाँ पे ये जा रहा है ट्यूशन भाग भाग के जैसे बहुत दिल कर रहा है, बस असल में भागने का था इसको, ट्यूशन छोड़ने चली गई। बड़ा घर में ही था क्योंकि घर में ना क्या कहते हैं आंसर अभी घर में ही थे इसलिए बड़ा घर में था, उन्होंने भी फ्रेश होना था। उसके बाद मैं घर आई ये सो गया, मूसा को सुलाया, सफाइयाँ वगैरह मैंने की हुई थी, किचन में भी थोड़ा सा काम हो गया था तो मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। यहाँ मूसा को सुलाया, फिर मैंने किया चिस्का, तो ये फिश का नया फ्लेवर कोई आया था, पता नहीं अब आया कब आया, पिछले साल आया मुझे नहीं पता। मैंने बहरहाल अब देखा, इस साल देखा तो मैंने ये ले लिया कैरेमल का फिश का, बस ठीक था। हाँ ठीक था, मे बी जो कैरेमल लवर्स हैं उनको पसंद आए, बट ओके था, बुरा नहीं कह सकते, अच्छा था। तो ये खाया यहाँ पे बच्चा सो रहा था, बच्चा जब सो रहा होता है ना तभी इस तरह की कोई चीज़ खाई जाएगी, नहीं तो नहीं खाई जाती, उन्होंने बीच में हिस्सा डालना होता है। फिर इब्राहिम ट्यूशन से आ चुका था तो यहाँ पे जो जैसा मैंने बताया हम टैंकियों का जो मैं इलाज दिखाने वाली वो था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में फॉर्मिक शीट दिखाई थी कि हमने वो लगानी है। तो यहाँ पे मेरे पापा थे, कुछ लड़के थे जो हेल्प करा रहे थे, इन्होंने यहाँ पे फॉर्मिक शीट की। फॉर्मिक शीट पूरी नो जो होते हैं ना वाटर टैंक के चारों तरफ वो किया, कवर किया, उसके ऊपर कारपेट एक था जो एक्स्ट्रा कारपेट से वो रैप किया, कारपेट के ऊपर किया जी प्लास्टिक शीट, जो मोटी प्लास्टिक शीट्स होती है उसको कवर किया। और प्लास्टिक शीट इसलिए कवर की कि जो कारपेट होता है ना, मतलब जब बारिश वगैरह हो तो वो गीला ज़ाहिर है होगा ही होगा, गीला होगा तो वो वेट गीला होते हैं की वजह से वो वजनी हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा, तो फिर वो फॉर्म शीट भी गीला और ये सब होगा। तो प्लास्टिक शीट इसलिए किया ताकि वो कारपेट गीला ना, और उसके ऊपर अच्छे से रस्सियों से कवर किया ताकि आंधी वगैरह जो भी हो ये ख़राब ना हो, ये मतलब उड्डे शुड्डे ना ये सीन ही। तो मैं इसलिए अच्छे से डिटेलिंग से आपको दिखाने के लिए मैंने स्पेशल बंदा ऊपर भेजा था भैया मेरी रिकॉर्डिंग बना लाओ मैं दिखा सकूँ। तो आप लोग जैसा देख रहे हो पहले फॉर्मिक शीट हमने चारों तरफ उसके की, फिर उसके ऊपर कारपेट था,
रफ कारपेट मतलब एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था उसको अच्छे से हमने उसके ऊपर चारों तरफ किया ताकि धूप लगे तो फ़र्क पड़े, फिर ऊपर प्लास्टिक शीट की। और यकीन करें इससे 70-80% फ़र्क पड़ा। पहले पानी ऐसा था कि हाथ लगाते थे बहुत गर्म पानी था, बस धुआं नज़र नहीं आता था पर बहुत गर्म पानी। अब ऐसा है कि अब ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल ठीक होता है। अब हाथ लगाना तो बिल्कुल हल्का सा कोसा सा मतलब ना के बराबर होता है, बहुत हद तक फ़र्क पड़ चुका है। तो यहाँ पे जैसा शाम टाइम हो गया था, उन्हें 2 घंटे तकरीबन लग गए थे, 1.5-2 घंटे ऊपर कवरेज करने में वो लोग। उसके बाद शाम हो गई, सूरज मतलब मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया था, तो मौसम काफ़ी हद तक अच्छा हो गया। तो आप लोग भी ट्राई करना, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इससे। ज़ाहिर है कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकालना है। अब ये गर्मी वाला पानी बर्दाश्त होता नहीं, बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। जितने मर्जी हम नीचे अपने पास वाटर टैंक एक्स्ट्रा सब एक्स्ट्रा भर के रख लें, कोई बकेट भर के रख लें, लेकिन फिर भी अब मे भी अच्छा उम्मीद तो है सर्दियों में भी शायद ये मुझे फ़ायदा दे, क्योंकि ये कवर है तो सर्दियों में पानी हो सकता है ठंडा ना रहे गर्म रहे, ये तो अब सर्दियों में पता चलेगा कितना फ़र्क पड़ता है कितना नहीं पड़ता। तो क्योंकि इब्राहिम ऊपर चढ़ा हुआ था और वो लड़कों के साथ, लेकिन उसने कपड़े गंदे कर लिए, मूसा ने भी किए थे, फिर मैंने दोबारा से इन दोनों के चेंज किए, चेंज करके इब्राहिम ने फीडर ले लिया। तो मूसा ये अपने मैं क्योंकि मैं खा रही थी फलसा, तो मूसा मेरे साथ फलसा शुरू हो गया, मतलब एक हाथ खा रहा था कोई वैसे ही मतलब पंगे ही ले रहा था, बड़ा दूध पी रहा था, सासा कार्टून देख रहा था। उसके बाद ये दोनों सो गए शाम के टाइम, मतलब घंटा सो गए। देन रात को इसके पापा के आने का टाइम हुआ, फिर वो आए तो कुछ सामान लेने जाना था और बच्चों ने चीज़ लेनी थी, उसके लिए हम अपने पास ही आए यूरो स्टोर, तो वहाँ पे गए। क्योंकि इन्हें गली वाली दुकान से चीज़ लेते तो ये समझते हैं वो चीज़ चीज़ ही नहीं है, जब तक ये स्टोर में जाके अपनी मर्ज़ी से पसंद से चीज़ें ना बास्केट में डालें ये मानते ही नहीं है कि हम चीज़ लेने गए थे। इतना इन्हें पता है यूरो स्टोर यूरो करते रहेंगे। खैर उधर गए, वहाँ से बच्चों ने चीज़ ली और जो सामान लेना था वो लिया, कुछ आइसक्रीम्स वगैरह लेनी थी। मतलब घर में ज़्यादा गर्मी है, कभी कोई गेस्ट आ जाता है तो काम आ जाए, गेस्ट नहीं भी आता तो हम लोग खुद तो है ना खाने के लिए, तो कुछ वो लिया, आइसक्रीम्स वगैरह ख़त्म हुई थी, कुछ थोड़ा बहुत सामान था, बच्चों की चीज़ें थी, ये सब सामान लिया। उसके बाद हम लोग आ गए वापस घर। अभी बच्चों ने चीज़ें अपनी अपनी चीज़ें लेके शॉपर में भी नहीं डलवाते, क्योंकि उन्हें डाउट होता है कि शायद गायब ना हो जाए शॉपर में से। इब्राहिम भी अपने हाथ में पकड़ता है और छोटे वाला भी अपने हाथ में चीज़ें लेना चाहिए। यहाँ पे हमने ले ली चीज़, हम आते हैं घर। घर आज मैंने बनाए थे मिसल चावल, और ये मैंने आपके साथ उसका वो रिव्यू दिखा रही हूँ ना, रिव्यू शायद कहेंगे है, जो रात को खाना खा रहे थे। तो मैंने बच्चों को ये वाटरमेलन कट करके दिया, ये इनको बोला कि आइसक्रीम है खा लो लेकिन वे बहुत सियाने हैं, पता नहीं चाइना के वो वीडियोस देखो ना तो वो ही दिखाते हैं कि उनके बच्चे बड़े मासूम होते हैं, वो शो कुछ कराते हैं और बच्चों को मेडिसिन दे देते हैं जूस के अंदर, हमारे बच्चे तो नहीं ऐसे काबू आते। वो चाइना में उनके बच्चों को स्ट्रिंग की बोतल दिखाते हैं और दे जेमिस्ट्री देते हैं, हमारों को तो मिनट में पता चल जाता है। अब मैंने देखा आइसक्रीम है तो कहते कोई आइसक्रीम नहीं, मैंने दिया कि ये लो एक बाइट लो, तो एक बाइट लेके कहता है नहीं आइसक्रीम नहीं है। मैं कहा वाह, हमारे बच्चों को तो भाई बड़े सियाने हैं, बड़ी जल्दी पता चल जाता है। खैर खाना शाना खाया, उसके बाद यहाँ पे सोने की तैयारी हो गई। तो आज का हमारा ब्लॉग यही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक तो कर ही दीजिए। ओके बाय।